आखिर कब तक पैसे की कमी की वजह से अपने सपनों की बलि देते रहोगे? आखिर कब तक पैसे की कमी की वजह से अपनी इच्छाओं को अधूरा रखोगे? कब तक पैसे की कमी की वजह से अपने माँ बाप को दुख और कष्टों में देखते रहोगे? कब तक? बस करो। अगर ये सारी समस्याएं हल करनी है तो केवल एक कंडीशन में हल हो सकती है, वो है अगर आपके पास भरपूर पैसा है तो। आज के ज़माने में पैसा ही सब कुछ है, अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। आखिर क्यों जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, एलन मस्क, बिल गेट्स, टाटा बिरला अंबानी ये लोग आपसे ज़्यादा अमीर हैं? क्यों आपसे ज़्यादा अमीर हैं? आखिर क्या है इनके पास ऐसा जो आपके पास नहीं है, जिसकी वजह से आप अमीर नहीं हो? इनके भी दो हाथ हैं दो पैर हैं, आपके भी दो हाथ हैं दो पैर हैं, तो ये अमीर क्यों हैं आपसे ज़्यादा? कौन से तीन राज हैं, कौन से ऐसे तीन आइडिया हैं जो ये फॉलो करते हैं आप नहीं करते? वो तीन आइडियाज, वही तीन राज आज इस वीडियो में जानोगे आप। वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर आप सोते हुए भी रुपये नहीं कमा रहे तो आपको जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी, जिंदगी भर रुपए कमाने पड़ेंगे। सोते हुए रुपए कैसे कमाने हैं वो आप इस वीडियो में जानोगे। बस शर्त है वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाओगे। और जितने भी लोग अमीर हैं या रह चुके हैं वो सारे के सारे इन्हीं तीन आइडिया को फॉलो करते हैं जो आप इस वीडियो में जानोगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो इन बड़े लोगों के कमाने का पहला राज और पहला आइडिया है रियल इस्टेट। ये लोग करोड़ों रुपए की जमीन जायदाद से अरबों रुपए कमा लेते हैं। कैसे? देखो, सपोज करो अगर आपने 15 लाख की कोई जमीन खरीदी एक अच्छी खासी लोकेशन पर, वो लोकेशन हाईवे की हो, मेडिकल कॉलेज हो वहाँ पर, कंपनी हो, होटल हो, कोई भी चीज़ हो, ऐसी लोकेशन के आसपास आपने 15 लाख रुपए की जमीन खरीद ली। अब 2 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद वही 15 लाख की जमीन आपकी 1.5 करोड़ रुपए की हो चुकी होगी कम से कम। जी हाँ, वो लाखों की जमीन करोड़ों रुपए की हो चुकी होगी, क्योंकि जमीन ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत दिन पर दिन बढ़ती है, घटती नहीं। वो लाखों की जमीन आपकी करोड़ों रुपए की हो चुकी होगी, और उसी करोड़ों रुपए की जमीन पर आप चाहो तो 10-12 कमरे बना सकते हो, होटल बना सकते हो, प्लेग्राउंड बना सकते हो, स्विमिंग पूल बना सकते हो। स्विमिंग पूल, प्लेग्राउंड, इनका बच्चों को काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, आप उनसे भी अर्न कर सकते हो, होटल से भी आप अर्न कर सकते हो। आपकी करोड़ों रुपए की जमीन तो है ही, साथ ही साथ होटल से, प्लेग्राउंड से, स्विमिंग पूल से आप इन सब से भी अर्न करोगे, और आप चाहो तो उस जमीन को बेच भी सकते हो। आपकी जो मुख्य रकम है 15 लाख रुपए वो निकाल लो, उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ आप उससे चाहो जो कर सकते हो, दोबारा से जमीन खरीद सकते हो, बेच सकते हो, फिर से प्रॉफिट कमा सकते हो। और ऐसा ही करते ही जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, या तो उस जमीन को बेच देते हैं या फिर कंपनी या कोई फैक्ट्री खोल लेते हैं, करोड़ों रुपए की जमीन खरीदते हैं और जब अरबों की हो जाती है तो उसे बेच देते हैं या उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जेफ बेजोस, एलन मस्क, टाटा बिरला अंबानी अडानी जितने भी बड़े लोग हैं सबके पास करोड़ों रुपए की जमीन जायदाद है, रियल इस्टेट है इनके पास, जिसकी कीमत दिन पर दिन बढ़ती है, और उसी कीमत की वजह से इनकी नेटवर्थ भी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। इन बड़े बड़े लोगों के कमाने का दूसरा राज और दूसरा आइडिया है बिजनेस। बिजनेस एक ऐसा बीज है, अगर आप उसको सही जमीन पर, सही समय पर, सही खाद पानी देते रहते हो, उसकी केयर करते रहते हो, तो बड़े होकर वही पेड़ जिंदगी भर आपके ऊपर पैसों की वर्षा करता रहेगा। जी हाँ, किसी का बड़ा नौकर होने से अच्छा है आप खुद के छोटे मालिक बन जाओ। किसी की अच्छी खासी या बड़ी नौकरी करने से अच्छा है आप खुद के छोटे मालिक बन जाओ, खुद का बिजनेस ट्राई करो। ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं खुद का बिजनेस करते हैं, खुद की कंपनियां हैं इनकी। एलन मस्क खुद की कंपनी है स्पेसएक्स, टेस्ला। जेफ बेजोस खुद की कंपनी है अमेज़न। बिल गेट्स खुद की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। रतन टाटा जी खुद की कंपनी है टाटा मोटर्स। अंबानी जी खुद की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। इनकी सारी की सारे लोगों की खुद की कंपनियां हैं, खुद का एक बड़ा बिजनेस है जो कि एक मुख्य भूमिका निभाता है इनको अमीर बनाने में। किसी भी बिजनेस की शुरुआत एक बड़े लेवल से नहीं होती, हर एक काम की शुरुआत छोटे लेवल से ही होती है। अगर आप भी ट्राई करोगे, छोटे लेवल से करोगे, तो एक ना एक दिन बड़े लेवल पर पहुंच ही जाओगे। अमेज़न के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, पहले एक छोटे से कमरे में काम किया करते थे, उनकी खुद की कंपनी थी जो किताब बेचा करती थी, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी। अच्छी खासी नौकरी भी मिली थी बैंक के अंदर, लेकिन छोड़ दी। क्यों? क्योंकि नौकर बनना पसंद है नहीं, मालिक बनना पसंद है नहीं। जब भी आप बिजनेस को शुरू करते हो तो सबसे पहले ये देखो कि मार्केट के अंदर किस चीज़ की डिमांड है, कौन सी परेशानी है, वो परेशानी आप कैसे हल कर सकते हो। ग्राहक की परेशानी आपका मौका बन सकती है, ग्राहक की जो समस्या होती है आप उस समस्या को हल करके अपना सफल बिजनेस बना सकते हो। एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी सर्विस दो ग्राहक को जो कि पहले मार्केट में किसी भी बंदे ने ना दी हो, आपसे पहले वो काम किसी और बंदे ने ना किया हो। क्योंकि अगर आपका ग्राहक संतुष्ट हो जाता है तो आपका बिजनेस सफल होना तय है। एक दुकानदार का ग्राहक ही सबसे बड़ा भगवान होता है। एक यूट्यूबर की सबसे बड़ी ऑडियंस उसके लिए होती है, ऑडियंस नहीं तो वो बंदा नहीं।
ग्राहक नहीं तो दुकानदारी नहीं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन में कैसे भी करके ग्राहक की समस्या को पहचान लेते हो, उसको हल कर देते हो, तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा। और रही बात नौकरी की, तो नौकरी सिर्फ और सिर्फ जरूरतों को पूरा करती है, बस आपके बड़े बड़े सपनों को, इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती। बिजली के बिल, EMI, घर का रेंट, कार, डीजल, पेट्रोल, इन सारे खर्चों में आपकी जो सेविंग होती है खर्च हो जाती है। और इनमें खर्च नहीं होती तो कोई बीमारी आपके घर में आ जाती है, बड़ी बीमारी, तो उसमें खर्च हो जाती है। नौकरी केवल और केवल आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। बड़े बड़े सपनों और बड़ी बड़ी इच्छाओं को केवल बिजनेस ही पूरा कर सकता है। बुगाटी, प्राइवेट जेट, बंगला, ये सारी चीज़ें आप इससे ही प्राप्त कर सकते हो। और अभी जो नौकरियाँ बची हैं, आने वाले समय में वो भी नौकरियाँ खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जनसंख्या इतनी हो चुकी है कि नौकरियां बची ही नहीं है। जनसंख्या ज़्यादा होती जा रही है, नौकरियां कम होती जा रही हैं। तीसरा और सबसे मुख्य राज और सबसे बड़ा राज इन लोगों का है इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, इन सब के अंदर इन्वेस्ट करना। याद रखना, शेयर मार्केट एक ऐसा कुआ है जो कि पूरे भारत देश की प्यास बुझा सकता है, ये आपने सुना ही होगा और वास्तव में है। वॉरेन बफेट का तो कहना था कि अगर आप सोते हुए भी रुपये नहीं कमा रहे तो जिंदगी भर रुपये कमाने पड़ेंगे। उसका उत्तर यही है, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आपके द्वारा खरीदे गए जो शेयर होते हैं उनकी कीमत दिन पे दिन बढ़ती आती है, दिन में बढ़ती है, रात में भी बढ़ती है, आपका जो पैसा होता है वो रात में भी काम करता है। आपके पैसे के द्वारा खरीदे गए जो शेयर होते हैं वो रात में भी काम करते हैं, उनकी कीमत रात में भी बढ़ती है। इस तरह से आप सोते हुए भी रुपये कमा सकते हो। वॉरेन बफेट के पास एप्पल कंपनी के 5% से ज़्यादा शेयर्स हैं और एक शेयर की कीमत 10,000 रुपये से ज़्यादा है। अब आप सोच सकते हो कि 5% शेयर कितने हो गए और उनकी कीमत कितनी हो गई। और एप्पल कंपनी के अलावा और भी बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर उनके पास हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि शेयर मार्केट बंदे को उछाल भी देता है और डुबा भी देता है। उछालता उन बंदों को है जो बंदे सही समझदारी से, अपनी बुद्धि से, सही रिसर्च के बाद, सही कंपनी की डिटेल लेने के बाद उसके शेयर खरीदते हैं, उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। याद रखना, मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्ट करते हैं, ना कि ट्रेडिंग करते हैं। जो बंदा इन्वेस्ट करेगा 5 साल, 10 साल या 15 साल शेयर्स को होल्ड करके रखेगा, वो प्रॉफिट ही कमाएगा, ये तय है। लेकिन जो बंदा आज खरीदता है कल बेच देता है, आज खरीदता है कल बेच देता है, जो बंदा ट्रेडिंग करता है वो 100% घाटा ही उठाएगा। याद रखना, आज नहीं तो कल। टाटा, बिरला, अंबानी, एलन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, बर्नार्ड अर्नोल्ड, जितने भी लोग अमीर हुए हैं और जितने भी लोग अमीर हैं वो सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे बड़ी मुख्य वजह और मुख्य राज इनका यही है, वरना ये लोग फावड़ा लेके कहीं खेती करने नहीं जाते, कहीं खेत में मेहनत नहीं करते। सबसे बड़ा राज है इनका शेयर मार्केट, और उसी से ये लोग करोड़ों अरबों रुपये छापते हैं। हमारे भारत देश के राकेश सुंदरवाला जी को ही ले लो, मात्र 6 दिन के अंदर 60 करोड़ से ज़्यादा रुपये कमा डाले इसी शेयर मार्केट से। और जितने भी लोग बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी लोग अमीर हैं, वो इन्हीं 3 आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। आप किसी भी बंदे को उठा लेना, किसी भी बंदे को उठाकर उसके बारे में चेक करना, वो 3 आइडियाज़ को, इन्हीं 3 आइडियाज़ को फॉलो करता होगा या इनमें से किसी एक आइडिया को फॉलो करता होगा। जेफ बेजोस, अमेजन कंपनी है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों रुपये की जमीन जायदाद है, अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा ज़मीन है इनकी। इसके अलावा बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, खुद का बिजनेस है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों रुपये की जमीन जायदाद है। वॉरेन बफेट, खुद की कंपनी है, खुद का बिजनेस है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों रुपए की जमीन जायदाद है। एलन मस्क, स्पेसएक्स, टेस्ला, खुद की कंपनी है, खुद का बिजनेस है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों रुपए की जमीन जायदाद है। मुकेश अंबानी जी, खुद की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री, बिजनेस है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों रुपए की जमीन जायदाद है। दुनिया में 96% लोगों से ज़्यादा इन 4% लोगों के पास पैसा है। कैसे है? ये 3 आइडिया फॉलो करते हैं, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और रियल इस्टेट। और आप भी इनको फॉलो करते हो तो आपकी भी गिनती उन्हीं 4% में होगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकाऊंगा कि जितने भी बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो कौन से 3 आइडिया को फॉलो करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट भी जरूर कर देना, और किसी एक बंदे को शेयर जरूर करना जो कि इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हो, सिर्फ एक बंदे को। और वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। राम राम।